हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल मेजर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी 2014 से 2020 तक की मेजर स्कीम्स आई हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो जो योजना शुरू करी है उसको नाम दिया है पीएम प्रणाम योजना। अब यहाँ पे पीएम प्रणाम की हमें फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर का देखिए प्रयोग होता है उसको कम करना, और उसकी जगह पे हम जो अल्टरनेटिव जो हमारे उर्वरक है उनको प्रयोग कर सकें, इसी उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, On the occasion of Independence Day 2023, Prime Minister Narendra Modi ji has announced the launch of which scheme to promote traditional craftsmanship? अभी देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो जो योजना शुरू की गई उसको नाम दिया है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसका उद्देश्य यही है, देखिए जो पारंपरिक शिल्प कौशल है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है, उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इसके तहत जो रेलवे स्टेशन है उनको देखिए उनका पुनर्विकास यानी उनको रीडेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए जो भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने योजना शुरू की है उसे नाम क्या दिया है? नया सवेरा। तो नया सवेरा योजना के तहत जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, जो भी देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कौन कौन से? सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी। तो इनसे जो बिलोंग करती हैं स्टूडेंट्स, उनको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए स्पेशल कोचिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी नया सवेरा स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू मेक बैकवर्ड क्लास वुमेन सेल्फ रिलायंट। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर उनको बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? योजना को नाम दिया है वुमेन, सही आंसर होगा यहाँ पे नई स्वर्णिमा योजना। तो न्यू स्वर्णिमा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द ईयर 2023 फॉर माइनर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ रेप। तो महिला और विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित जो नाबालिग है उनके लिए देखिए कौन सी योजना को शुरू किया? तो योजना को नाम दिया है मिशन वात्सल्य योजना। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा देखिए, तो इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड पुलिस असिस्टेंस, काउंसलिंग, लीगल एड एंड इंश्योरेंस कवर फॉर द माइनर विक्टिम एंड हर न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो जो देखिए नाबालिग पीड़ित हैं, जो उनके नवजात शिशु है, उनके लिए पुलिस सहायता हो गई, काउंसलिंग यानी परामर्श, लीगल एड यानी कानूनी सहायता और बीमा कवर उनको प्रदान करना ही इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पीएम मोदी जी ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग इंडियाज कोस्ट लाइन।
भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? योजना को नाम दिया है मिष्टी स्कीम। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मिष्टी जो स्कीम है इसका उद्देश्य है कि इंडिया के इकोसिस्टम में जो मैंग्रोव है उसे रिस्टोर और प्रोटेक्ट करना, यानी उनको जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग चाइना। तो चीन सीमा से लगे जो भारत के देखिए उत्तर सीमावर्ती गांव हैं उनका समग्र विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ये जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथू से जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया। ये एक सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, यानी केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, और इसकी घोषणा की गई थी कि जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके उनको विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी लॉन्च्ड इन 7 स्टेट्स टू इंक्रीज बिजनेस एंड डेवलप मेगा पार्क्स इन इंडिया। तो भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो योजना को नाम क्या दिया है फ्रेंड्स, पीएम मित्र स्कीम। पीएम मित्र की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। जिन 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क को बिल्ड किया जाएगा उनके नाम जरूर याद रखेंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पीएम मोदी जी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स। तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो योजना को नाम दिया है अमृत धरोहर योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। तो भारत के देखिए जो वेटलैंड है, जो आर्द्रभूमि है, उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू ट्रेन रूरल यूथ। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए गिरिराज सिंह ने जो योजना शुरू की है उसके नाम दिया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस योजना का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड परमानेंट गेनफुल प्लेसमेंट टू द रूरल यूथ आफ्टर स्किलिंग। यानी एक बार उनको जब देखिए उनको स्किल ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी, जब वो कौशल सीख लेंगे तो उसके बाद जो ग्रामीण युवा है उनको स्थायी रूप से जो गेनफुल प्लेसमेंट है वो प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू एम्पावर सीनियर सिटीजन्स। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए जो कौन सी योजना शुरू की गई? अटल वायु अभ्युदय योजना। इस योजना के अंतर्गत कन्वीनियंट ओल्ड एज होम्स जो है ओपन किए जाएंगे, यानी जो वृद्धाश्रम है वो खोले जाएंगे एल्डर लोगों के लिए, और जो भी देखिए उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधित उनको समस्याएं होती हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल डंग। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो योजना को नाम दिया है गोबरधन योजना। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू पॉजिटिवली इंक्रीज द क्लीननेस इन द विलेज एंड क्रिएट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एनिमल और अदर सोर्सेस। तो गांव में साफ सफाई को एक तरीके से पॉजिटिवली उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है, साथ ही में एनिमल और जो भी देखिए अदर सोर्स हैं उनसे मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना, एनर्जी क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाई इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाई द साइक्लोन। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। इस ऑपरेशन में भारत के देखिए कौन कौन से शिप इन्वॉल्व हुए? INS शिवालिक,
INS कमोर्ता और INS सावित्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू मेक वुमन सेल्फ रिलायंट. तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है ये शुरू की गई. इस योजना के तहत दी वुमेन हु विल अप्लाई इन दिस स्कीम, जो भी महिलाएं देखिए इस योजना में आवेदन करेंगी वो 2 लाख की बचत पर 7.5% का जो है उनको इंटरेस्ट मिलेगा जब वो 2 लाख की सेविंग करेंगी. तो ये है इस स्कीम के तहत. नेक्स्ट, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स. अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की? आंसर, विवाद से विश्वास टू स्कीम. इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनके साथ में जो गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, उन सभी विवादों को हल करना. नेक्स्ट, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवाइव द रूरल इकोनॉमी एंड एम्पावर MSME एंटरप्राइजेज. तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और MSME उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को शुरू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय द ईयर 2047. वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मोदी जी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश के शहडोल से. इस मिशन का उद्देश्य है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट यानी खत्म करना. कब तक? 2047 तक. ये मिशन इंडिया के 17 राज्यों के 278 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लागू किया जाएगा. अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाई इंडिया टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम दी अनरेस्ट इन सूडान इन 2023. सूडान में हुई अशांतियों से अपने नागरिक को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन कावेरी. इस ऑपरेशन में भारत के कौन कौन से शिप इन्वॉल्व हुए थे? C-130J एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन नेवी का INS सुमेधा एयरक्राफ्ट जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. देखिए कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये भी पूछ लेते हैं कोई मिशन है कि वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखें. तो यहाँ पे बात करें उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए, जो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उन्होंने माहिर नाम से मिशन शुरू किया. माहिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च. ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट होती है. इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जो भी देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी पहचान करना, उनको डेवलप करना, यानी जो भी उभरती प्रौद्योगिकी है उनको पहचान करके उनको विकसित करना इस मिशन का उद्देश्य है. अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपग्रेड प्रसार भारती. केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को अपग्रेड करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो योजना को नाम दिया है बिंद स्कीम. बिंद की फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2015 टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स. तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर, फेम इंडिया स्कीम. तो फेम इंडिया स्कीम जो है फ्रेंड्स, इसका पहला फेज शुरू हुआ था 2015 में. उसके बाद इसका दूसरा फेज शुरू हुआ था अप्रैल 2019 में. उसके बाद सरकार ने फेम इंडिया जो स्कीम है उसके सेकेंड चरण को एक्सटेंड किया, तो 31 मार्च 2024 तक उसको एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया.
तो मेन इसका उद्देश्य क्या था स्कीम का, कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनसे जो प्रदूषण होता है उसे कम करना। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल हैंड ओवर 1000 मॉन्यूमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर देयर मेंटेनेंस। संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी, तो किस स्कीम के तहत, आंसर स्मारक मित्र स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के अंत तक जो देखिए रिवैम्प्ड स्मारक मित्र जो है इसकी इस योजना के तहत 500 से ज्यादा साइट्स को जो है सौंपने का लक्ष्य रखा। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक पीपल अबव 15 इयर्स ऑफ एज लिटरेट। 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है, आंसर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना का उद्देश्य है कि 15 साल से और उससे अधिक के जो 5 करोड़ लोग हैं उनको लिटरेट बनाना, उनको साक्षर बनाना जो करंट में पढ़ और लिख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन द ईयर 2023 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। तो भारत में देखिए शिक्षा अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने रीच आउट प्लान जो योजना है इसे शुरू किया। रीच आउट की फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2022 टू डेवलप एंड अपग्रेड दी स्कूल्स। तो स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया, तो योजना को नाम दिया है पीएम श्री स्कूल स्कीम। पीएम श्री के फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2022 फॉर द क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, नमस्ते योजना। और नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2014 टू डेवलप इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया जो स्कीम है इसे शुरू किया था। इस योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2014 फॉर द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए अक्टूबर 2014 में संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। इसमें एक और पॉइंट हमें याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो संसद आदर्श ग्राम योजना है इसके तहत कौन सा गांव गोद लिया गया था, ये याद रखिएगा, बनारस में जयापुर गांव। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2015 विद एन एम टू इम्प्रूव वेलफेयर सर्विसेज फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2015 टू मेक लोन्स इजिली अवेलेबल टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। छोटे दिखे जो उद्यम होते हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड करने के लिए अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी और किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मे 2016 टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन टू वुमेन कमिंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो महिलाओं को देखिए जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं हैं उनको निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने
मई 2016 में किस योजना को शुरू किया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स इनका ईयर पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो इसलिए याद रखेंगे मई 2016 में। इस योजना का स्लोगन भी है क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ, यानी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2020 टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम ई विद्या स्कीम शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मार्च 2020 टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राशन टू एवरी सिटीजन ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2021 फॉर द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन आफ्टर द कोरोना एपिडेमिक। तो कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2015 टू मेक एलईडी बल्ब अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो योजना को नाम दिया था उजाला योजना। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सितंबर 2018 टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज टू द इकोनॉमिकली वीकर पीपल इन इंडिया। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम को शुरू किया था। आयुष्मान भारत स्कीम ऑल्सो देखिए इसे जाना जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिसंबर 2021 विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। तो जो देखिए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम श्रेष्ठ प्लान को शुरू किया गया। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है योजना? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2015 टू कन्वर्ट 100 सिटीज ऑफ इंडिया इंटू स्मार्ट सिटीज। भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया था। और ये जो मिशन है इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस मिनिस्ट्री के अंडर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2015 टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। हर एक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में अमृत स्कीम को शुरू किया। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अमृत मिशन 2.0 है इसे 2001 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू बूस्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में किस प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो प्रोजेक्ट है ये कौन से शहर से शुरू हुआ था? तो इसे स्टार्ट किया था उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से।
अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2022 टू प्रिवेंट थेफ्ट एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स? तो केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021 टू प्रोवाइड एवरी चाइल्ड विद द एबिलिटी टू लर्न रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक? हर एक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निपुण योजना शुरू की थी। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2022 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल? केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है योजना? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फरवरी 2022 फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब? तो नोमैडिक ट्राइब होते हैं घुमंतू जनजाति, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने सीड जो स्कीम है इसे शुरू किया। सीड की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फरवरी 2022 फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स? तो ट्रांसजेंडर समुदाय भिखारियों के लिए किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया गया? तो योजना को नाम दिया है स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये योजना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022 टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन्स? महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने योजना शुरू की उसे नाम दिया अवसर। अवसर की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट इज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। तो जो भी देखिए स्कीम्स की फ्रेंड्स फुल फॉर्म है उनको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2015 फॉर पुअर एंड डिप्राइव्ड क्लास पीपल? तो गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की थी। और इस योजना के बेनिफिशरीज कौन हैं? जिनकी एज है 18 to 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2015 टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ? भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया। ये योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन फरवरी 2019 टू प्रोवाइड पेंशन फैसिलिटीज टू द वर्किंग क्लास पीपल इन ओल्ड एज? मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सितंबर 2019 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द एल्डरली फार्मर्स ऑफ इंडिया? भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में कौन सी योजना शुरू की? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी जी इन जुलाई 2015 टू मेक हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल एट लोअर प्राइसेस देन दी मार्केट? उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया?
तो योजना को नाम दिया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2021 टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पोर्टर्स। तो जो कुम्हार है उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में स्पिन स्कीम शुरू की। स्पिन की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया और ये किसके अंडर में है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2021 फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने योजना शुरू की सार्थक। सार्थक की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इस स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2021 टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया। भारत के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इसका उद्देश्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिड डे मील स्कीम है देखिए उसको 5 साल की जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए एक्सटेंड किया है और उसके नाम पर पीएम जो न्यूट्रिशन स्कीम है या पीएम पोषण योजना है इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम एपिडेमिक डिसीज। जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पहल को शुरू किया, आंसर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ और एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव। ये दोनों ही पहल जो है पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू की, इसलिए आंसर होगा बोथ सुटेबल और इन दोनों के फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द आईजोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म टू एनहेंस द स्किल ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किस पहल को शुरू किया, तो कौन सी इनिशिएटिव शुरू की, दक्षता। दक्षता का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस मिशन को मंजूरी दी, आंसर नेशनल क्वांटम मिशन। इस मिशन को इंप्लीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज इन द ईयर 2023 टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइंस विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेज। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम या फिर अग्निपथ भर्ती योजना। इस योजना के लिए जो भी देखिए चुने जाएंगे, जो सिलेक्ट होंगे उनको क्या नाम दिया गया, अग्निवीर उन्हें कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2014 विद द एम ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड ऑन जीरो बैलेंस इन इंडियाज पुअर पीपल्स बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड नेशनलाइज्ड बैंक।
तो इसके अंतर्गत भारत के गरीब लोगों के बैंक में पोस्ट ऑफिस या वो राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। और इस स्कीम का स्लोगन है माई अकाउंट द क्रिएटर ऑफ फॉर्च्यून, यानी मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2014 टू एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डेफिकेशन इन इंडिया। भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। और इस अभियान का नारा क्या था? वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2015 टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ डॉटर्स ऑफ इंडिया। भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि बचत योजना शुरू की। नेक्स्ट, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2015 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जुलाई 2015 टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये कार्यक्रम जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम का मोटो क्या है? पावर टू एम्पावर। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2016 टू मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल एंड ईजी फॉर द कॉमन पीपल। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? उड़ान स्कीम। तो याद रखेंगे ईयर भी कि उड़ान स्कीम कब शुरू हुई थी? 2016 में। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेबरी 2019 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में कौन सी योजना शुरू की? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रेंथन कल्चर एंड इकोनॉमिक टाइज इन द ईयर 2022 विच प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टुगेदर विद ब्रिटेन। भारत ने जो है ब्रिटेन के साथ में कौन सा प्लान शुरू किया? यंग प्रोफेशनल स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2015 टू प्रोवाइड गारंटीड मंथली पेंशन टू ऑल इंडियंस आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में अटल पेंशन योजना लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2015 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि इरिगेशन स्कीम को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन जनवरी 2015 टू ट्रांसफर दी सब्सिडी मनी रिसीव्ड ऑन कुकिंग गैस डायरेक्टली टू पीपल्स अकाउंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? आंसर, प्रधानमंत्री पहल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2021 टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो भारत में देखिए हेल्थ जो हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2016 टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। सभी देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए मार्च 2016 में सेतु भारतम स्कीम शुरू की गई।
अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2020 टू प्रोवाइड लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो देखिए स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की थी, और ये योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2016 टू प्रमोट बिजनेस एंड न्यू स्टार्टअप्स। बिजनेस और नए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2016 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। भारत के अनुसूचित जाति जनजाति और महिला कारोबारियों को आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया। तो इसका ईयर याद रखेंगे, ये कब लॉन्च हुई? अप्रैल 2016। अगला क्वेश्चन देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं, उनकी सहायता के लिए अगस्त 2015 में नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एक्सेसिबल न्यूट्रिशियस फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सुलभ पौष्टिक भोजन फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने किस मिशन को शुरू किया? आंसर, मिशन आहार क्रांति। इस मिशन का मोटो क्या है? गुड फूड गुड थॉट्स, यानी उत्तम आहार उत्तम विचार। अगला क्वेश्चन है, विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू कनेक्ट मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया? आंसर, संगठन से समृद्धि। तो अभियान का नाम है संगठन से समृद्धि। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं टेस्ट पे। दो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2023 टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को कम करने के लिए किस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी? और दूसरा क्वेश्चन है, किस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने लॉन्च किया? और ये स्कीम लॉन्च की थी जो स्टूडेंट्स थे, जो कैंडिडेट माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए, मुफ्त में देखे कोचिंग प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आज हमने जितनी भी स्कीम्स कवर करी हैं इस वीडियो में, वो सभी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।